अस्सलामुअलैकुम। सो होपफुली आप लोग HTML और CSS जो है वो कम्प्लीटली कवर कर चुके होंगे, बूटस्ट्रैप की भी बेसिक्स अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। उसके बाद जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है फ्रंट एंड की, जो एक वेब पेज को डायनामिक बनाती है, दैट इज़ जावास्क्रिप्ट। पेज के अंदर जब भी आप डाटा अपडेट करते हैं ना, एक तो तरीका ये है कि आप बार बार सर्वर को रिक्वेस्ट भेजें और वहाँ से अपडेटेड डाटा आए नए HTML के साथ, और आपका पेज रिफ़्रेश हो और उसमें नई चीज़ें डिस्प्ले हो जाएं। वो एक किस्म का स्टैटिक किस्म का सिस्टम हो जाता है, उसमें आपको बिल्कुल भी अलाइव नहीं फील होता कि आपके पेज पे कुछ चल रहा है। जावास्क्रिप्ट क्या करती है, HTML के अंदर ही प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट्स इंटीग्रेट होती हैं, जो जब चलती हैं तो उस HTML पेज के अंदर अपडेट्स लाती हैं, सर्वर के साथ कम्युनिकेट करती हैं, पूरा पेज रिफ़्रेश करने के बजाय कुछ पार्ट्स को रिफ़्रेश करते हैं, आपका पेज डायनामिक रहता है। तो समझें, इफ़ HTML इज़ द स्ट्रक्चर, CSS इज़ द स्टाइलिंग, जावा स्क्रिप्ट जो है उसको चलाने के लिए, या फिर अगर गाड़ी की बात करें तो जावा स्क्रिप्ट आर द व्हील्स ऑफ दैट कार या इंजन ऑफ दैट कार, बाकी उसकी बॉडी और जो उसका पेंट वगैरह है वो दैट इज़ HTML और CSS। सो जावा स्क्रिप्ट के बगैर फ्रंट एंड डेवलपमेंट कम्प्लीट नहीं होती, एंड दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट। आपने जावा स्क्रिप्ट अच्छी सीख ली तो आप अच्छे एक फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं, और ये एक वाहिद HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट में जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है वो जावा स्क्रिप्ट ही। HTML CSS तो बंदा सीख जाता है, बट दिस इज सिंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट टेक्स टाइम। HTML और CSS जो हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है। अब ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि जावा स्क्रिप्ट जो है हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे, बेसिक से लेके बहुत ज़्यादा एडवांस ही जाएंगे, जितनी हमें ज़रूरत है फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए उसको कवर करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे साथ पिछले कोर्सेज कवर नहीं किए है, वो एटलीस्ट इसको जस्ट एज लैंग्वेज ही सीखना शुरू करें। बेशक HTML CSS भी नहीं कवर किया, जावास्क्रिप्ट अगर आप सीखना शुरू हो जाएं यहाँ से, तो आपको HTML और CSS भी थोड़ा थोड़ा रिकॉल हो जाएगा, चीज़ें लिंक हो रही होंगी यहाँ पे। बट इट इज़ एन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज और वेब डेवलपमेंट के अलावा भी बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल हो सकती है। बट समझें, ये लैंग्वेज वेब डेवलपमेंट की बैकबोन है। पाइथन के बगैर वेब डेवलपमेंट हो सकती है, जावास्क्रिप्ट के बगैर नहीं हो सकती। अगर आप सिर्फ जावास्क्रिप्ट सीख लेते हैं तो आप कंप्लीट वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं, अगर आप सिर्फ पाइथन सीखते हैं तो आप नहीं बना सकते कंप्लीट एप्लीकेशन। ऑल्दो कि आप बैकएंड बहुत ज़्यादा एडवांस किस्म के काम कर सकते हैं, बट फ्रंट एंड तो जावास्क्रिप्ट के बगैर कंप्लीट होता ही नहीं है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जावास्क्रिप्ट आपने क्यों सीखनी है ये आपको पता हो, ओवरऑल रोड मैप पता हो कि हम जावास्क्रिप्ट में क्या क्या कवर करेंगे। लेट मी क्विकली गो थ्रू कि इसमें क्या क्या होगा। जावास्क्रिप्ट के हम बेसिक्स देखेंगे। इन बेसिक्स में वो लोग मे भी इतने इंटरेस्टेड ना हो जो पाइथन बहुत डिटेल में कवर कर चुके हों, बट मैं दोबारा से जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स को उसी एम्फेसिस के साथ पढ़ाऊँगा जिस तरह मैंने पाइथन पढ़ाई थी। जिसने पाइथन नहीं कवर की, वो अगर सिर्फ जावास्क्रिप्ट को देख ले तो उसको भी अच्छी प्रोग्रामिंग आ जाएगी। मतलब हम बहुत डिटेल से लूप्स, ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल फंक्शंस, वेरिएबल्स, हर चीज़ काफ़ी डिटेल से। फिर ये एक जावास्क्रिप्ट है, उसको HTML के साथ कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं, अलर्ट्स क्या होते हैं, वो जो ब्राउज़र के ऊपर पॉपअप्स आ रहे होते हैं, ब्राउज़र से क्वेश्चन कैसे करवाते हैं, उससे कोई मैसेज कैसे डिस्प्ले कराते हैं, उसके बाद ऑपरेटर्स, कंट्रोल फ्लो, ये इफ एल्स वाला जो सारा सिस्टम होता है, व्हाइल एंड फॉर लूप जिस तरह पाइथन में डिटेल में समझाई थी, एंड आफ्टर दैट ये सारी बेसिक सीखने के बाद आपका एक छोटा सा प्रोजेक्ट होगा, एंड दिस इज़ जस्ट द पार्ट वन ऑफ जावास्क्रिप्ट। आगे देखते हैं उसके बाद जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस कैसे बनते हैं। अब यहाँ पे ना मैं इस पूरे प्रोग्राम को काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज इंटेंसिव बना रहा हूँ, अनलाइक पाइथन। पाइथन में कंपैरेटिवली चीज़ें जो थी वो इजी थी, जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है कंपेयर टू पाइथन। तो इस पे मैंने एक्सरसाइज ज़्यादा एम्फोसिस किया ताकि आप करके ऑन हैंड्स कोडिंग करके आपको इसका एक्सपीरियंस हासिल हो और ये चीज़ें आपको मेमोराइज हो जाए अच्छी। उसके बाद अरेज, अरेज के बाद फिर एक्सरसाइज, फिर ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, अरेज अगर आप पाइथन की बात करें तो क्लोजेस्ट थिंग इन पाइथन टू अरेज इज़ लिस्ट, और ऑब्जेक्ट्स की क्लोजेस्ट थिंग इज़ डिक्शनरी। ठीक
ठीक है, जावास्क्रिप्ट में जो डिक्शनरी लाइक की वैल्यू पेयर वाला सिस्टम होता है उसको ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। पाइथन में ऑब्जेक्ट डिफरेंट चीज़ थी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाला ऑब्जेक्ट था, जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट डिफरेंट चीज़ है। अच्छा, इसकी फिर एक्सरसाइज होगी। उसके बाद हमने पाइथन में एपीआई इंटीग्रेशन की समझी थी, वो रिक्वेस्ट मॉड्यूल जो होता है उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसी तरह जावास्क्रिप्ट में आप कैसे एपीआई इंटीग्रेशन करेंगे। उसके बाद हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट कर लेंगे इसके ऊपर, जिसमें आपने एपीआई इंटीग्रेशन करनी होगी, जिस तरह हमने पाइथन में ओपन एआई के साथ एपीआई इंटीग्रेशन की थी चैट जीपीटी के साथ। तो यहाँ पे भी आपको उसी तरह का प्रोजेक्ट होगा कि आपने जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हुए कोई भी एपीआई कैसे कॉल करने है। तो एग्जांपल के तौर पे हम ओपन एआई ही की एपीआई को लेके चलेंगे। ये हो गया, एंड दिस इज़ नॉट जस्ट द एंड, इसके बाद आएगा पार्ट 3। अब यहाँ पे एडवांस चीज़ें आ रही हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पहले भी काफ़ी दफ़ा डिस्कस हो चुका है, ऑटोमेशन और वेब स्क्रैपिंग के हवाले से। एचटीएमएल सीखना ज़रूरी है, जावास्क्रिप्ट सीखना ज़रूरी है, और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना जो आपने समझनी होती है, दैट इज़ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। बेसिकली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ये होता है कि एचटीएमएल का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो किस फॉर्म में अरेंज हुआ हुआ है। ठीक है, उसमें ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब किस चीज़ के अंदर क्या चीज़ आ रही है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसको कैसे स्ट्रक्चर को एड्रेस किया जाता है, उसकी कैसे पार्टिकुलर चीज़ें पिक की जाती हैं। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल आपको अच्छे समझ आ जाए तो आपको सिलेक्टर समझ आ जाते हैं। सिलेक्टर क्या होता है कि एक एचटीएमएल के पूरे कोड में आपने एक पर्टिकुलर लाइन सिलेक्ट करनी है, तो वो लाइन सिलेक्ट करने का क्या तरीका होगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में ये कैपेबिलिटी होती है कि रन टाइम में एक बगैर रिफ्रेश किए पेज एक एचटीएमएल कोड को चेंज कर दे। जब उसको चेंज करते हैं तो आपका पेज बगैर रिफ्रेश हुए अपडेट हो जाता है जावास्क्रिप्ट से। अब जावास्क्रिप्ट वो पर्टिकुलर चीज़ें कैसे उठाती है, लेट से उसने कोई हेडिंग चेंज करनी है, उसने कोई नंबर चेंज करना है, तो वो कैसे करेगा, उसके लिए डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को समझना ज़रूरी है। एंड वेब स्क्रैपिंग के लिए भी और बॉट्स के लिए भी इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के बाद एक क्यूरी सिलेक्टर का कॉन्सेप्ट है कि आपने क्यूरी बेसिकली क्या होती है, एक क्यूरी इज़ समझें एक सेट ऑफ कमांड्स जिससे आप एक पर्टिकुलर एचटीएमएल के कोड को टारगेट कर रहे होते हैं। ठीक है, उस क्यूरी का क्या स्ट्रक्चर होता है वो हम समझेंगे, उसके बाद एक एक्सरसाइज हो जाएगी। उसके बाद हम ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्यूरी सिलेक्टर को इस्तेमाल करते हुए एचटीएमएल पेज के ऊपर डायनामिक अपडेट्स कैसे कर सकते हैं वो सीखेंगे, जो कि इस चीज़ को फ्रंट एंड को सीखने का, जावास्क्रिप्ट को सीखने का हमारा मकसद था। उसके बाद इवेंट्स एंड लिसनर्स, जिस तरह लेट से कोई बटन है, कोई बटन क्लिक हुआ है या उसके ऊपर होवर हुआ है, इस तरह के जो डिफरेंट किस्म के इवेंट्स हो रहे होते हैं ना, जो आपके ब्राउज़र के ऊपर इंटरेक्शन हो रहा होता है, उनके लिसनर्स होते हैं, लिसनर फंक्शंस होते हैं कि जब ये इवेंट होगा तो ये फंक्शन ट्रिगर करना है, ये इवेंट होगा तो ये स्क्रिप्ट ट्रिगर करनी है। तो वो इवेंट्स और लिसनर वाले उसमें कॉन्सेप्ट में आप सीखेंगे, और उसके बाद उसकी एक छोटी सी एक्सरसाइज होगी। यहाँ जिन चीज़ों को मैं एक्सरसाइज कह रहा हूँ ना, ये एक्सरसाइज जो है मैं आप पे नहीं छोड़ूंगा, एक्सरसाइज हम एक छोटा सा टास्क लेंगे केस स्टडी के तौर पे, वो वीडियोस में कवर्ड होगा। जो प्रोजेक्ट होगा उसमें आपको रिक्वायरमेंट दे दी जाएंगी और उस प्रोजेक्ट को आपने खुद करना होगा। सो देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन एक्सरसाइज एंड प्रोजेक्ट्स, इनको इसलिए इनको मैंने अलग अलग नाम दिया। एंड फाइनली पार्ट 4, दैट इज़ जे क्यूरी। अभी हमने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल और क्यूरी सिलेक्टर की बात की थी, अब जो स्टैंडर्ड जावास्क्रिप्ट है उसमें डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल और क्यूरी सिलेक्टर का ना एक काफ़ी लंबा सा लंबी सी कमांड बनती है जो आपको लिखने में ट्रबल होता है। जे क्यूरी जो है उस चीज़ को, सिलेक्शन को, सिलेक्टर्स को, एचटीएमएल के डिफरेंट पार्ट्स के सिलेक्टर्स को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देती है, कि एक पूरे पेज में आपने लेट से कोई चीज़ उठानी है, उसके लिए आपको ज़्यादा लंबा जुमला नहीं लिखना पड़ेगा, छोटी सी लाइन लिखनी पड़ेगी। जे क्यूरी का सिंटेक्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा आसान है, तो मोस्टली मॉडर्न एप्लीकेशंस में क्यूरी सिलेक्टर नहीं यूज़ होता नॉर्मल वाला, जे क्यूरी यूज़ होता है। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ सिंप्लीफाइड, या कह सकते हैं एडवांस किस्म का, स्ट्रॉन्ग किस्म का क्यूरी सिलेक्टर ही है। उसके बाद इवेंट लिसनिंग इसमें भी होती है, जे क्यूरी में इवेंट लिसनिंग का सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी चीज़ वही है। इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे, और फाइनली आपका एक फाइनल फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट होगा, जिसमें आप एक कॉम्प्लेक्स सी गेम बनाएंगे जो कि पूरी फ्रंट एंड पे चल रही होगी। इसके अलावा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको गो थ्रू करा दूंगा, जिसमें एजेक्स है, विच इज़ एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। अगर आप जावास्क्रिप्ट से
कोई स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो और आप उसको एसिंक्रोनस रखना चाहते हैं, आप अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी लाइन पे हैंग नहीं होना चाहते, आप कहते हैं कि जीयूआई अवेलेबल रहे और जावास्क्रिप्ट पीछे अपना काम करता रहे, तो उसके लिए एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल एक ख़ास फ्रेमवर्क है कमांड्स का, वो इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम फाइनली देख लेंगे कि रिएक्ट जेएस क्या है और रिएक्ट जेएस कहाँ से सीखा जा सकता है। रिएक्ट जेएस हम इस कोर्स में कवर नहीं करेंगे, बट उसका इंट्रोडक्शन ज़रूर लेंगे कि उसका मकसद क्या है और उसको कहाँ से आप कवर कर सकते हैं। जो सीखने का शौक़ रखता है एडवांस किस्म की फ्रंट एंड डेवलपमेंट, दे मस्ट गो फॉर रिएक्ट जेएस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्लान ऑफ जावास्क्रिप्ट। ये तकरीबन 4 से 5 वीडियोस पे मुश्तमिल होगा, जो कि वही जो टिपिकल हमारा ड्यूरेशन है 30 से 40 मिनट या 45 मिनट तक भी कुछ चली जाती है, मे भी कुछ 1 आधी 1 घंटे तक भी चली जाए, बट कोशिश होगी मेरी कि 30 से 40 मिनट ही रखूँ हर वीडियो की ड्यूरेशन। एंड वी टारगेट टू कंप्लीट दिस इन 2 वीक्स। जावास्क्रिप्ट आप अच्छी सीख लें, उसके बाद आप कम से कम अपने ऊपर फ्रंट एंड डेवलपर का ठप्पा लगा सकते हैं। उसके बाद हम आएंगे जेंगो पे बैक एंड डेवलपमेंट में, उसके बाद असल इंटरेस्टिंग चीज़ें शुरू होंगी। स्टे ट्यून्ड, पहली वीडियो इसकी आ रही है, बहुत जल्दी आ रही है, कल परसों जो इसका पार्ट 1 है वो रिलीज़ हो जाएगा, जिसमें बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट हैं। जो नए लोग हैं आई इनक्रेज देम के वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, दिस कैन बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर न्यू लर्नर्स। इसके बहुत ज़्यादा प्री रिक्विजिट्स नहीं है जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए, ये इंडिपेंडेंट एक पूरी लैंग्वेज है। चलें जी, फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियोस में। थैंक यू।